66वीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तीसरे दिन अलग अलग प्रतिस्पर्धा में खिलाड़ियों ने पसीना बहाया। अंडर 19 बालक वर्ग 3000 मीटर दौड़ में मेरठ के दुष्यंत कुमार ने प्रथम स्थान पर रहे। उन्होंने 8 मिनट 41 सेकंड में दौड़ पूरी की, तो वही स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के गौरव यादव 8 मिनट 42 सेकंड में दौड़ पूरी कर दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर गोरखपुर के रोहित कुमार ने 8 मिनट 45 सेकंड में दौड़ पूरी की। वहीं बालिका अंडर 19 बरेली की विनीता गुर्जर ने मात्र 10 मिनट 26 सेकंड में रेस पूरा कर प्रथम स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर लखनऊ की सुनीता देवी 10 मिनट 31 सेकंड में रेस पूरा की। तीसरे स्थान पर मुरादाबाद की शिवानी रानी रही। अंडर 17 वर्ग में अयोध्या की साक्षी सिंह 10 मिनट 45 सेकंड में रेस पूरी कर प्रथम स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर झांसी की क्रांति देवी ने 11 मिनट 1 सेकंड का समय लिया। तीसरे स्थान पर प्रयागराज की मनीषी निषाद रही। बालिका अंडर 19 वर्ग में लंबी कूद में मुरादाबाद की खुशी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 4.73 मीटर की दूरी तय की। वही दूसरे स्थान पर सहारनपुर की सीमा कुमारी, जिन्होंने 4.56 मीटर की दूरी तय की। मेरठ की अंजू ने 4.46 मीटर की दूरी तय कर तीसरे स्थान पर रही। बालक अंडर 17 लंबी कूद में प्रयागराज के मोहम्मद तौफीक ने 6.79 मीटर दूरी तय कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वही शैलेंद्र कुमार ने दूसरे स्थान प्राप्त किया। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के अनुज मौर्य तीसरे स्थान पर रहे। मुरादाबाद के कपिल व बालिका अंडर 17 वर्ग के 400 मीटर दौड़ में सहारनपुर की कविता बालियान प्रथम स्थान पर रही। मेरठ की तनीषा दूसरे स्थान पर रही। वाराणसी की खुशबू यादव तीसरे स्थान पर रहे। अंडर 19 बालक वर्ग के 400 मीटर फाइनल रेस में वाराणसी के दिवाकर पासवान प्रथम स्थान पर, झांसी के दीपक दूसरे स्थान पर, प्रयागराज के देव शंकर यादव तीसरे स्थान पर रहे। तो वहीं बालिका वर्ग में अंडर 19 के 400 मीटर फाइनल रेस में वाराणसी की सोनम पाल प्रथम स्थान पर, गोरखपुर की उमा साहनी दूसरे स्थान पर और मुरादाबाद की साहिबा तीसरे स्थान पर रहे। अंडर 14 ऊंची कूद इवेंट्स में लखनऊ की आसिका प्रथम स्थान पर, प्रयागराज की सानिया दूसरे स्थान पर और मिर्जापुर की वंशिका तीसरे स्थान पर रही। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मैच रेफरी सिद्धार्थ सिंह, डॉक्टर अरुरेंद्र राय, रामचंद्र यादव, प्रेम नारायण सिंह, सुशील साही, हृदय रावत, रति रंजन पांडे, अवनीश राय, अभय सिंह, शंभु यादव, नवीन पटेल, चंद्रेश कुमार, हरिकेश सिंह, SP प्रधान, रंजन मणि त्रिपाठी, हरिकेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संचालक समिति के सदस्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने कहा, साइकिलिंग जिनका लैंडिंग कर बहुत बड़ा उतार चढ़ाव उलट से हुआ है। जो प्रारंभिक दौर में आगे थे वो डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी, सदस्य संचालन समिति, उत्तर प्रदेश माध्यमिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022 के तीसरे दिन काफ़ी प्रभावी ढंग से सभी प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन हो रहा है। विभिन्न जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें 3000 मीटर रेस
अंडर 19 और अंडर 17 का बालक बालिका का संपन्न हो चुका है। लंबी कूद जो अंडर 19 और अंडर 17 है बालक बालिका का, ये भी आज करा लिया गया। हैमर थ्रो अंडर 19 बालक और 400 मीटर अंडर 19, अंडर 17, अंडर 14, ये फाइनल रेस कंप्लीट हो चुका है। 200 मीटर हीट्स भी हम लोगों ने करा लिया है। एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं, खेल प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और मैं समझता हूं कि अब तक 5-6 ऐसे रिकॉर्ड हैं जो टूट चुके हैं। मथुरा की एक अभी बच्ची ने भी उसने अपने इस गेम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और 4-5 रिकॉर्ड जो है वो टूट चुके हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे खेल मैदान पर एक खेल महोत्सव जैसा पूरा का पूरा वातावरण दिखाई दे रहा है। गोरखपुर में जो ये आयोजन हो रहा है उसकी गुणवत्ता और स्तर को लेकर के बाहर से आई हुई टीमें काफ़ी चर्चा कर रही हैं। संयोजक और इस मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक, उनके टेस्ट अर्थात उनकी रुचि इस खेल को इस स्तर पर पहुंचा चुकी है कि अब तक जो है इतना सुंदर ढंग से आयोजन शायद बहुत कम जगह हुआ हो। यह गोरखपुर के लिए, हम सब के लिए एक गौरव की बात है कि इतने शानदार ढंग से बिना किसी अव्यवस्था के, बिना किसी परेशानी के, सारे खिलाड़ी जैसे वो अपने घर में खेलते हैं उस तरह से उनको ऐसा महसूस हो रहा है। आपके चैनल द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की कवरेज लगातार की जा रही है। मैं निश्चित रूप से गोरखपुर के इस विशेष चैनल को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आपने शुरू से ही इस कार्यक्रमों को, यहाँ की प्रतियोगिताओं को कवर किया है और आज पुनः आप कवर करने आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।